Macron Students Academy, Vani, one of the most renowned CBSE school in Vani and adjacent region, having beautiful building, huge playground and campus with greenery and conductive atmosphere, highly qualified and experienced teachers and staff, provision of modern amenities for education such as smart class system in each class, bus facility available for all areas in and around Vani, well-equipped science and computer labs, exhaustive library with more than 5,000 books on various subjects, RO water facilities, best academics, sports, cultural and personality development activities for holistic development. Our school provides best support for sports and extracurricular activities for all the students. My school is the best place where I am always interested to go for my overall development. A hub of quality education, 100% results since last 10 years. Macaron Students Academy Vani is the temple of education, where we not only impart in the knowledge but also teach the values of kindness and empathy. Come to Macaron Students Academy Vani and make your dream come true for the bright future of your child. Admission open from nursery to standard 10th. Macaron Students Academy, Vadgaon Road, Vani Bypass, Vani, District Yavatmal. Contact 9921888588 or 7410756433. नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस फॉर सोशल जस्टिस सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी नागपुर ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा सुझाए गए पाठ्यक्रम का विरोध करते हुए कहा कि युवाओं को एक जागरूक नागरिक बनाने के लिए तर्कसंगत और वैज्ञानिक ज्ञान नैतिक मूल्य प्रदान करना इसका उद्देश्य रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए कौशल प्रदान करना है। फेडरेशन का मानना है कि प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक में गंभीर डिजाइन सीमाएं हैं। इसका कारण यह है कि जो संविधान में बताए गए सिद्धांत से असंगत है, जैसे कि प्रस्तावित पाठ्यक्रम अन्य बातों के साथ साथ भारतीय ज्ञान प्रणाली को पढ़ाने का प्रस्ताव करता है, लेकिन भारतीय ज्ञान प्रणाली में यानी इस योजना में वेदों, पुराणों, उपनिषदों, मनुस्मृति और गीता की ब्राह्मणवादी दार्शनिक परंपरा को पढ़ाने का प्रस्ताव है, लेकिन पाठ्यक्रम में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, लोकायत, ईसाई धर्म, इस्लाम और अन्य परंपराओं के विचारों की अनदेखी की गई है। साथ ही इसका उद्देश्य छात्रों को असमानता, भेदभाव और गरीबी के मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाना भी होगा। इसका उद्देश्य छात्रों को समाज में व्याप्त समस्याओं के बारे में जागरूक करना है, लेकिन ये जाति और लैंगिक असमानता को संवेदनशील बनाने से बचता है। लेकिन ये देखकर हैरानी होती है कि 327 पन्नों की पूरी रिपोर्ट में एक बार भी जाति और छुआछूत का जिक्र नहीं है। इस पूर्ण चुप्पी का कारण यह है कि वे छात्रों को बताना नहीं चाहते कि ब्राह्मणवाद जाति अस्पृश्यता और लिंग भेदभाव का प्रचार करता था। इसके विपरीत इसका उद्देश्य स्कूली बच्चों को गलत जानकारी देना है। उदाहरण के लिए कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों को पढ़ाया जाएगा कि जाति व्यवस्था ब्राह्मणवाद द्वारा नहीं बल्कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी, ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया। अभी एक महीने पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट में शालेय पाठ्य पुस्तक का गाइडलाइंस निकाली है, जिसको करिकुलम फ्रेमवर्क कहते हैं। इस करिकुलम फ्रेमवर्क के आधार पे कोर्सेज बनेंगे जिसके थ्रू बच्चे को पढ़ाया जाएगा, और इसमें जो गाइडलाइंस दी हुई है उसमें तीन मुद्दों पे हमारा मतभेद है। एक तो ये है कि ये मूल्य ब्राह्मणवादी जो ग्रंथ है, वेद, पुराण, उपनिषद, मनुस्मृति, गीता, ये इसके आधार के ऊपर वो बच्चों की कोर्स बनाएंगे और पढ़ाएंगे, और धर्म का इसमें बिल्कुल उल्लेख नहीं है। इसमें घटना में इस तरह की प्रोविजन नहीं है कि यह किसी एक धर्म का जो शिक्षा है वो आप बच्चों को पढ़ाइए, नंबर वन। नंबर दो कि महाराष्ट्र के जो महाराष्ट्र का जो ज्ञान है वो भी पढ़ाएंगे, लेकिन उसमें सिर्फ संत लिटरेचर के बारे में जिक्र है। जो समाज सुधारक है, फुले है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, रानडे है, महर्षि सिंधे है, इनका कहीं उसमें मेंशन नहीं है। तीसरा जो है इसमें ये अपप्रचार किया है कि जाति व्यवस्था के बारे में चर्चा नहीं है, अस्पृश्यता के बारे में बिल्कुल ही चर्चा नहीं है, असमानता भेदभाव के बारे में चर्चा है, लेकिन ये जाति व्यवस्था ब्रिटिशों ने क्रिएट की, हमने नहीं की, इस तरह का अपप्रचार है। तो हम तीन इसमें सजेशन दे रहे हैं कि जो बच्चों को पढ़ाया जाएगा मॉरल एजुकेशन, वो किसी एक धर्म के आधार के ऊपर नहीं होना चाहिए, या किसी भी धर्म के आधार के ऊपर होना नहीं चाहिए, वो घटना की प्रोविजन है। हमारी सजेशन ये है कि जो घटना में विचार है, प्रीएम्बल में जो है, फंडामेंटल राइट में जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन है, वो पढ़ाना चाहिए।
और तीसरा मुद्दा हमारा ये है कि ये फाइनल होने के पहले सभी लोगों के साथ इसकी चर्चा होनी चाहिए, उसके बाद कोर्स बनाएं। माना पालाचा ना त्या गोत्याचा पसारा लई बाई वाढला, रुसवा नको ग बाई कुणाचा मोठ्यांनी उतारा काढला। लगीन घाई सुचून देई खरे दिने पना काढला, खरे दिला वरसी दिने उत्साह नवा आणला। बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला, बांधला बसता बांधला। कमी किमती आणि क्वालिटी सोबत बरं का परिस्थिती आहे दर्शक्य।